सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक फॉर एमएसटी सीईटी 2022। सो इस वीडियो में आपको मैं जो भी डेटा दूंगा वो सब प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। मैंने अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया, उनको पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल थी और क्या रैंक थी। सो उन सबसे डेटा कलेक्ट किया और एक पीडीएफ में लिस्ट कर दिया। वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको कमेंट बॉक्स में भी वो मैं जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सो सबसे पहले उस पीडीएफ में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैंने जिनको भी फोन लगाया शायद उनकी शिफ्ट ईजी हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या फिर हार्ड हो सकती है। सो ये जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो मोस्ट एक्यूरेट रहेगी और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है 0.5 से लेकर 1% का, बाकी इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। और ये बहुत डिटेल्ड है, मैंने अपने मतलब पूरा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। और अगर मैं आपको ये पीडीएफ बता ही दूं तो अगर आपके परसेंटाइल 180 प्लस आ रहे हैं तो आपकी 99.9 प्लस परसेंटाइल बन सकती है। अगर 160 से लेकर 180 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो 99.5 से लेकर 99.8 परसेंटाइल आ सकती है। 140 से लेकर 160 मार्क्स आ रहे हैं तो 98 से 99 परसेंटाइल आ सकती है। 120 से लेकर 140 मार्क्स आ रहे हैं तो 95 से लेकर 98 परसेंटाइल आ सकती है। 110 से लेकर 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 94 से लेकर 95 परसेंटाइल बन सकती है। और 110 से लेकर 120 मार्क्स आ रहे हैं तो 94 से 95 परसेंटाइल बन सकती है। 100 से लेकर 110 आ रहे हैं तो 92 से लेकर 94 परसेंटाइल बन सकती है। 90 से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो 85 से लेकर 92 परसेंटाइल बन सकती है। और अगर 80 से लेकर 90 मार्क्स आ रहे हैं तो 75 से लेकर 85 परसेंटाइल बन सकती है। और 70 से 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके 65 से लेकर 75 परसेंटाइल बन सकती है। और ये जो भी मैंने डेटा अभी आपको बताया वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी, सो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और बाकी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक गिवन है, आराम से पीडीएफ डाउनलोड करना और पूरा देखना। और ये हुई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की बात। अब बात करते हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक, कितने परसेंटाइल पे क्या रैंक बन सकती है हमारी। सो इस साल अगर इस साल का नंबर ऑफ स्टूडेंट का डेटा काउंट किया जाए तो इस साल आपको 95 प्लस परसेंटाइल अगर आ रही है आपकी, एक बार वापिस 95 प्लस परसेंटाइल आ रही है तो आपको रैंक 1 से लेके 7100 रैंक के बीच में आ सकते हैं। मतलब पहली 5% 100 से लेकर 95 तो आपकी रैंक क्या हो सकती है, 1 से लेकर 7100। और अगर आपके 90 से लेकर 95 परसेंटाइल आ रही है तो आपकी रैंक हो सकती है 7000 से लेकर 14000 के बीच में। और अगर आपकी परसेंटाइल 85 से लेकर 90 आ रही है तो आपकी रैंक हो सकती है 14000 से लेकर 21000 के बीच में। और बाकी यही था, मतलब अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करो तो 5% इज इक्वल्स टू 7000 रैंक। सो 1% पे कितने लोग स्टैंड करते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1200 लोग स्टैंड करेंगे 1% पे। सो अगर आप मान लो अगर आपके 99% आती है तब की रैंक क्या होगी, 1200 के आसपास होगी। और यही था, बाकी प्रीवियस ईयर का स्टैट्स बताऊं तो प्रीवियस ईयर में मेरे 128 मार्क्स थे एमएसटी सीईटी में टोटल, और मेरी जो परसेंटाइल थी वो थी 96.07। 128 मार्क्स इज इक्वल्स टू 96.07 परसेंटाइल। बाकी यही था मेरी रैंक, मेरी मार्क्स और मेरी परसेंटाइल। सो उसके हिसाब से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। मेरे दोस्तों को कॉल लगाया, उनसे सब डेटा लिया और फिर ये पीडीएफ बनाई है। सो आप इस पीडीएफ पे थोड़ा सा भरोसा रख सकते हो। और थोड़ा सा वेरिएशन मैं भी मानता हूँ, क्योंकि इस साल मैथ्स टफ था, ये था, सो कई सारे पेपर टफर साइड पे आ गए थे। सो वेरिएशन क्या होगा, 0.5 से लेके 1% का वेरिएशन, इसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बस यही था आज का वीडियो, और तब तक के लिए अपने चैनल पे बने रहना, क्योंकि अभी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। जैसे आपका अभी आंसर क्या आ चुका है, अभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होगी। सो काउंसलिंग प्रोसेस में कैप राउंड 1 होगा, कैप राउंड 2 होगा, फीस ऑप्शन होगा, फ्लोट ऑप्शन होगा, फिर कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करने हैं, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज लेना है। सो बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार मैं आपको वही वापस एक बार बोलूँगा, अपने मार्क्स एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेट करो, उसमें कोई मिस्टेक मत करो। जैसे ही अपने पास मार्क्स आ गए अपनी परसेंटाइल एक्सपेक्टेड परसेंटाइल मिल जाएगी, उस परसेंटाइल पे 0.5 ऊपर नीचे करके अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करो कि मुझे कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। और लोअर ब्रांचेस देखो, हायर ब्रांचेस देखो, जैसे आपको सीओईपी में लोअर मिल रहे तो उसको भी कंसिडर करो, और कहीं पे लोअर कॉलेजेस में हायर ब्रांच मिल रही है उसको भी कंसिडर करो। और अपने परसेंटाइल के आसपास के ही कॉलेज देखना, क्योंकि हमें ज़्यादा देखना नहीं है लोअर कॉलेजेस, अपने आसपास के ही कॉलेजेस देखने। सो गाइस, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें होती रहेगी, सो उसके आप चिंता मत करो।
बाकी अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, पीडीएफ डाउनलोड करो और अच्छे से एनालाइज करो आपके कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रही है, और कॉलेजेस की एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखो, एक आपके पास होनी चाहिए, आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो सब रेडी रखो। बाकी बहुत सारी बातें करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियोस में। सो गाइस टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अच्छे से एक्सप्लोर करो, कुछ नई चीज़ें सीखो, बाकी यही है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।